हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे जो हमारी यूपीओवी पास की कैटेगराइजेशन है बीपीएमएस की, उनका क्लेरिफिकेशन। बेसिकली हमारे पास तीन कैटेगरी हैं, लो यूपीओवी पास, हाई यूपीओवी पास एंड हाई निवेश। सबसे पहले मैं लो रिस्क और हाई रिस्क डिफाइन करता हूँ आपसे। हमारे यूपीओवी पास के तहत लो रिस्क कैटेगरी उन प्लॉट्स को माना गया है रेजिडेंशियल सिंगल डूलिंग यूनिट। बेसिकली अगर आप सिंगल डूलिंग यूनिट रेजिडेंशियल प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ लो रिस्क। अगर सिंगल डूलिंग यूनिट नहीं है, मीनवाइल आपका एकल आवासीय नहीं है, उसके अदर कोई भी कैटेगरी है वो आपकी हाई रिस्क कैटेगरी में डिफाइन होती है। बेसिकली सिंगल डूलिंग यूनिट हमारे यूपीओवी पास से मैप जाते हैं। इसके अलावा हाई कैटेगरी में हमारा निवेश मित्रा का पॉपअप हमारे पास आ जाता है। अगर हम लो रिस्क को भी सब डिवाइड करते हैं यूपीओवी पास के तहत, लो रिस्क की दो कैटेगरी, लो यूपीओवी पास, हाई यूपीओवी पास। लो यूपीओवी पास बेसिकली वो प्लॉट्स होते हैं अप्रूव्ड स्कीम का जो पार्ट होते हैं। बेसिकली मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अगर कोई प्लॉट रेजिडेंशियल सिंगल ड्यूलिंग यूनिट अप्रूव्ड लेआउट का पार्ट है देन इट इज़ लो यूपीओवी पास। अगर कोई रेजिडेंशियल सिंगल ड्यूलिंग यूनिट अप्रूव्ड लेआउट का पार्ट नहीं है देन इट इज़ इन हाई यूपीओवी पास। अब हमारे पास लो रिस्क में दो क्राइटेरिया, लो यूपीओवी पास, हाई यूपीओवी पास। हाई निवेश में हमारे पास वो क्राइटेरिया रेजिडेंशियल सिंगल ड्यूलिंग यूनिट से अलग, सारी कैटेगरी हमारी हाई निवेश। करेक्ट है? थैंक यू।